जैसे मोबाइल में बैलेंस देखते रहते हो कि कब खत्म हो रहा है, देखते हो टीवी का रिचार्ज कब खत्म हो रहा है, बैंक का बैलेंस भी देखते रहते हो कि कैसा चल रहा है, और समझदार व्यक्ति होगा तो हफ्ते में कम से कम एक बार अपने बैंक का बैलेंस देखते रहना चाहिए। आजकल इतना फ्रॉड चल रहा है कि कोई आपका कोई नंबर ले ले और आपके पैसे निकाल ले, तो हफ्ते में दो बार अपने बैंक का बैलेंस देख लो, जैसे मोबाइल का बैलेंस देखते हो। अभी तो मेरे पास में इतने का रिचार्ज है, 3 महीने अभी तक चलेगा, और मालूम पड़े 3 महीने बाद जब वो चलना बंद हो जाए, रिचार्ज खत्म हो जाए, तो फिर क्या होता है? तुम्हारा फोन लगता है? जम के तो बोलो, नहीं, फोन जाएगा नहीं, पर फोन जम के बोलो जरा, आएगा, जाएगा नहीं, आएगा। उसी तरह बैलेंस अगर देख लेते तो तुम्हारा भी फोन जाते रहता। जैसे बैंक का बैलेंस देखते हो, मोबाइल का बैलेंस देखते हो, टीवी का बैलेंस देखते हो, परिवार का बैलेंस देखते हो, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान के भजन का भी बैलेंस देखते रहना कि कहीं ये खत्म तो नहीं है। अगर भजन का बैलेंस खत्म हो जाएगा, जैसे मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, तो तुम्हारा फोन जाएगा नहीं, उधर का फोन बोलो बोलो जम के बोलो आएगा। उसी तरह जब हमारे भजन का बैलेंस खत्म हो जाता है तो फिर उधर से फोन आता है, इधर से नहीं जाता, फिर उधर से आता है। और उधर का फोन बड़ा विचित्र आता है, साहब गाड़ी से गए, एक्सीडेंट हो गया, भगवान मैंने क्या बिगाड़ दिया था। भगवान बोल रहे थे बहुत दिन से बैंक में तू बैलेंस देखने नहीं आई थी, इसलिए मैंने तुझको बुलाया। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा कष्ट आया, थोड़ा सा रोग आया, थोड़ी सी बीमारी आई, और हमने फिर अपना बैलेंस देखना प्रारंभ करा, तो भगवान बोले कि मेरा फोन आया, तब तुझे मालूम पड़ा कि मेरा फोन क्यों पहुंचा, क्योंकि तेरा बैलेंस खत्म हो गया था, इसलिए वहां से फोन कर वो बाई रोज बोल रही थी कि आपका रिचार्ज समाप्त हो गया, आपका रिचार्ज समाप्त हो गया, अपने इस रिचार्ज को और डलवा लो तो आप अपनी सुविधा से जिंदगी जी सकते हो, अपना कॉल कर सकते हो, मोबाइल लगा सकते हो, अपने फोन का सदुपयोग कर सकते हो। बिचारी रोज दिन भर में 3 बार बोलती थी कि अपना रिचार्ज पूरा करवाओ, तुम्हारा रिचार्ज अधूरा है, इसलिए तुम्हारा फोन पूरा नहीं जा रहा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, ये शिव की कथा भी यही बताने के लिए आती है। 7 दिन की कथा यदि आपके गांव में हो रही है, 7 दिन की कथा आपके नगर में हो रही है, 7 दिन की कथा अगर आप मोबाइल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, 7 दिन की कथा को आप इस मंडी प्रांगण में हिंगोली के क्षेत्र में सुन रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा ये आपको बताने के लिए आई है कि अपना रिचार्ज पूरा करा कर रखना, नहीं तो मालूम पड़े बंद हो गया तो फिर लग नहीं पाएगा। इस रिचार्ज को पूरा कराते रहो, इसका उपयोग करते रहो, हर दिन हर पल हर घड़ी 21,600 श्वास जो मनुष्य को प्रतिदिन मिलती है, उस 21,600 श्वास का गणना भले तुम करो ना करो, पर इन श्वास के साथ में तुम भगवान का भजन करते करते अपने कर्म को करो। 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है, एक एक रोम को गिनोगे तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र निकलेंगे। इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से अगर एक बार भी भगवान का भजन कर लिया तो जिंदगी की सार्थकता बन जाएगी, तुम्हारा मोबाइल का बैलेंस बराबर चलता रहेगा, तुम्हें रिचार्ज की जरूरत नहीं पड़ती।